सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। आज की नवी कक्षा हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी का स्वागत है। इस पाठ के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए हम पहले इस पाठ के परिचय को देखेंगे, लेखक परिचय, लेखिका परिचय को देखेंगे। लेखिका का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म वर्ष 1904 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान यानी कि प्लेस प्रयाग, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। रचनाएं झांसी की रानी, त्रिधार व मुकुल। इनकी मृत्यु 1948 में हुआ, 1948 में हुआ। चलिए हम पाठ की तरफ जाएंगे। गुलाब सिम, इस पाठ की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पाठ को कहानी के द्वारा लिखा गया कि जिसमें देशभक्ति, त्याग, बलिदान की भावना और भाई बहन की, बहन के बीच की प्रेम भावना की झलक दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है? देशभक्ति, देशभक्ति और देशभक्ति, त्याग, बलिदान या बार भाई बहन का प्रेम किस तरह से रहता है, इस कहानी में दिखाया है। एक परिवार था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक परिवार है, यहाँ पर एक परिवार में चार लोग रहते हैं, माता, पिता, भाई, बहन। इन चार के बीच में एक कहानी होती है। एक परिवार था जिसमें माता पिता और एक पुत्र पुत्री, पुत्र यानी कि सन, पुत्र यानी कि डॉटर, बेटा और बेटी थे। बालक माता पिता के लिए दुलारा था। दुलारा, दुलार का मतलब क्या था? पेट। आपके माता पिता भी आपको बहुत बहुत प्रेम करते हैं, आप उनका पेट होते हो, इस तरह ये अपना माता पिता का दुलारा कौन रहता है? यहाँ पर गुलाब सिम रहता है। और उनकी एक गुड़िया जैसी बहन थी। किसकी? गुलाब सिम की गुड़िया जैसी, डॉल, गुड़िया बोल यानी कि डॉल, उतनी सुंदर रहती है, तो उसकी एक बहन भी रहती है। दोनों में अत्यंत परस्पर स्नेह भावना थी, दोनों अत्यंत बहुत सारा प्रेम भावना सब भाई बहन के बीच था। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियाँ, जिम्मेदारियाँ मीन्स क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। इस पाठ में झंडा भी यहाँ पर मौजूद है, झंडा यानी कि फ्लैग, इस पाठ में झंडा भी दिखाया गया है। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चलेंगे? यहाँ पर देखो, अब जब कोई फंक्शन करना हो या पूजा करना हो या कुछ गृह प्रवेश करना हो, आप क्या करते हैं? पंडित के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं और अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त निकलाते हैं, क्योंकि उस दिन ही आपको गृह प्रवेश करनी चाहिए या कुछ भी फंक्शन हो तो आप पंडित जी के पास जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक अमर व्यक्ति के बारे में कहने के लिए कोई दिन नहीं चाहिए, कोई वार नहीं चाहिए, कोई तारीख नहीं चाहिए या कुछ कोई भी समय नहीं चाहिए। तो हम इन सब को नहीं देखते, उनके बारे में कहने के लिए टाइम नहीं चाहिए। जब भी हमें टाइम मिलता है उस समय बोलते हैं। उसमें उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। किसके घर में? गुलाब सिंह के घर में। उसके घर में पिता, माँ और बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। दुलारा का मतलब पेट में बोले लाडला। बहुत सब लोग गुलाब सिंह को बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। कौन बीमार पड़ा? गुलाब सिंह। बीमार का मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। किसकी? गुलाब सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी। एक दिन क्या हुआ? गुलाब सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी, वह बीमार था। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। आप भी जब बीमार होते हो, आपकी माँ को, आपकी माँ भी क्या करती है? कुछ चीज़ें कुछ थोड़े खाने के लिए देती है, जिसे तेल वगैरह ऐसी चीज़ें आपको खाने में नहीं देती।
सो इसके लिए गुलाब सिंह को भी क्या किया, इसकी माँ ने उसको खाना बंद करवा दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना। खाली समय आप खाओ बोल तो नहीं खाते, तो जब बीमार होते हो मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए ऐसा कर कर आपकी माँ को पूछते हो, या फिर आप क्या करते हो चोरी से जाकर बाहर कुछ ना कुछ खा के आते हो उस बुखार में ही। तो उसका मन भी, किसका मन, गुलाब सिंह का मन भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मन कर रहा था। छोटी बहन से ना सह गया उसकी छोटी इसकी तड़प, किसकी तड़प, गुलाब सिंह तड़प रहा था कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो उसकी छोटी बहन को उसको देख कर सहन आ गया, उसको देख नहीं देख पा रही थी। वह चुपके से गुड़ और चना चूर लाई और खिला दिया अपने भैया को। तो क्या किए इसकी बहन ने, क्या किया, गुड़ गुड़ बोलते हैं ना, बेल्ला बोलते हो कन्नड़ में, जागरी, तो उसको क्या किया, उसको और चना कटले बेले वो चूर चना आता ना, उसको क्या किया, इन दोनों को लाकर चोरी से मीन किसको, माता को नहीं मालूम और पिता को नहीं मालूम, ऐसे चोरी से क्या किया इसकी बहन ने गुलाब सिंह को खिला दिया। किसको खिला दिया, अपने भैया को खिला दिया। उसके बाद भैया को बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। खाने के बाद भी उसको, पहले से ही वो बीमार था, उसको बुखार था, फिर खाने के बाद क्या हो गया और बुखार बढ़ गया, तब तक वो खिला चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। अपने भाई, देखो यहाँ पर कितना अच्छा है उनका प्रेम भाव, किसका, भाई और बहन का। आप लोग क्या करते हैं आपस में भाई बहन के झगड़े बहुत, इस बीच में तो और ज़्यादा, क्योंकि आपके माता पिता कुछ लाते हैं आपके लिए तो दूसरा गुस्सा करता है, मुझे नहीं लाया क्या बोलूँगा, ऐसे छोटी छोटी बातों को आप दोनों में आपस में झगड़ा कर लेते हो भाई बहन। पर यहाँ पर देखो कितने अच्छे से दोनों का प्रेम है भाई बहन के बीच में। तो इस बहन क्या करती है, अपने माँ बाप से गुस्सा करने को, गाली खाने को भी तैयार हो जाती है। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई, भाई चुपचाप खा लिया। कौन ला के दिए उसको, भाई को बहन ने लाकर दिया, पर भाई चुपचाप से खा लिया, पर इस बात को किसी को भी नहीं पता था और ना ये बोला। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छापा पड़ गई। धीरे धीरे रोग का मतलब वे बीमार था ना, तो धीरे धीरे से हल्के हल्के से उसकी तबीयत ठीक होने लगी, पर बहन की प्रेम की छापा अपने दिल में दब गई थी, बहुत प्रेम था उसके बहन के बारे में। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छिपी थी। ऐसी बहन की नहीं, माता की, पिता की, सबके इसके मन पर छिप गई थी। किसके मन पर, गुलाब सिंह के मन पर। वह कभी उससे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। तो कभी कभी उनके बीच में थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता था, फिर भी उनका प्रेम कभी भी नहीं उतरा। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। ऐसी हवा मीन्स एक दिन ऐसा संकट आ गया कि क्या हुआ, देखो यह हवा उमंगों की हवा थी, उमंगों मीन्स खुशी की हवा थी। एक दिन ऐसी हवा आई, एक दिन ऐसा दिन आया कि वहाँ पर खुशी का दिन था, बड़ा भारी जुलूस निकलना था। जुलूस का मतलब प्रोसेशन, बड़ा भारी जुलूस, जुलूस का मतलब प्रोसेशन। आप भी यहाँ देखो, यहाँ पर जब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, स्वतंत्र दिन, गणराज्योत्सव ऐसा आता हो ना, आपको भी बहुत खुशी से आप भी सवेरे जल्दी उठते हो, खुशी से आते हो, तो ऐसे ही प्रोसेशन में आपको भाग लेने के लिए बहुत आसक्त होती है। तो इसी तरह वह भी क्या करता है, कौन, गुलाब सिंह, उस दिन जुलूस निकलने वाला था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया था। क्या हो गया वहाँ पर, उस दिन जुलूस निकलने वाला था, बहुत खुशी की बात थी एक दिन, पर यहाँ पर क्या हो गया, बादशाह यानी कि राजा ने हुक्म मीन्स सबको, उसके सोल्जर्स को क्या करता है, सबको हुक्म देता है, आज्ञा देता है कि जुलूस ना निकले, जुलूस नहीं निकलना चाहिए, यानी कि प्रोसेशन बाहर नहीं निकलना चाहिए। शहर में आतंक छा गया है मीन्स वहाँ यहाँ वहाँ लड़ाई होने वाली है, तो कोई भी जुलूस नहीं निकालना।
तो किसने बोला? राजा ने हुक्म दिया। हुक्म का मतलब क्या है? हुक्म का मतलब क्या है? ऑर्डर है। तो किसने हुक्म किया, किसने ऑर्डर दिया? राजा ने। क्यों? प्रोसेशन, जुलूस नहीं बाहर आने, जुलूस नहीं निकलेगा, तो यहाँ वहाँ लड़ाई होने वाली है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं आएगा, ऐसा कहकर ऑर्डर किया। क्या किया? हुक्म किया राजा ने। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। अब दोनों के बीच में, यहाँ पर देखो, भाई और बहन के दोनों के बीच में आपस में बातें चल रही थी। किसने कहा? पहले भाई कहता है, बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, जुलूस क्यों नहीं निकलेगा, क्यों ना निकले हमारा झंडा। उस जुलूस में क्या क्या होने वाला था? झंडा निकलने वाला था, झंडा यानी कि फ्लैग, फ्लैग हॉइस्ट होने वाला था। पर इस बात को भाई को बहुत क्या हो गया, गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? बहन कहती है, कौन है यह बादशाह, बादशाह कौन है यहाँ पर? राजा, उस गांव को संभालने वाला राजा, एक कोई व्यक्ति रहना चाहिए ना। इसी तरह भैया ने कहा, हो होगा कोई। कौन कहता है? गुलाब सिंह कहता है। भैया ने कहा, हो होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा, क्यों जुलूस नहीं निकलना है, क्यों झंडा नहीं निकलना है? किसने पूछा? बहन ने भाई से पूछा। भाई कूट स्वर में बोला, उसको गुस्सा आ गया, क्यों हमारा झंडा नहीं निकलना चाहिए, क्यों हमारा जुलूस नहीं निकलना चाहिए, बल्कि उसको किसको गुस्सा आ गया, भाई को गुस्सा आ गया। कूट स्वर मीन्स क्रोध, गुस्से से बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। कौन कहता है? भाई कहता है, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, जो कुछ भी बादशाह, जो कुछ भी राजा कहता है, उसके हुक्म पर ही हम चलना चाहिए। उत्तर था, तब तो ज़रूर निकले जुलूस। तो तब उसको किसको गुस्सा आ गया? गुलाब सिंह को गुस्सा आ गया। किसको, किस लिए? जुलूस तो निकलेगा ही, झंडा निकलेगा ही, हम ज़रूर फहराएंगे अपना झंडा। कौन कहा? गुलाब सिंह ने कहा, हम जरूर, ज़रूर मीन्स हम जरूर ज़रूर निकालेंगे हमारा झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। उसको किसको? गुलाब सिंह को बहुत गुस्सा आ गया, हमारा झंडा क्यों नहीं निकलेगा, मैं तो ज़रूर, ज़रूर का मतलब क्या है? ज़रूर का मतलब, उत्तर था, तब तो ज़रूर निकलेगा जुलूस, हम ज़रूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं हमें कौन रोकता है। ऐसा कहकर कौन बोलता है? गुलाब सिंह कहता है, मैं तो ज़रूर झंडा निकालता हूँ, कंपलसरी हम बाहर लेकर निकलेंगे, किसको? झंडे को, प्रोसेशन भी निकलेगा। ऐसा कहकर भाई बहन से कहता है। झंडे की तैयारी होने लगी। अब झंडा को आप क्या करना चाहिए, आपको मालूम है क्या? आपको कभी कभी हम क्या कहते हैं, अपने पुस्तक में झंडा को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हो, एक लकड़ी उतारते हो, उसको तिरंगा के कलर उसमें लगाते हो। इसी तरह ये लड़का क्या करता है, झंडे की तैयारी करने लगता है। किस तरह देखेंगे, देखो। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। बहन क्या करती है, अपनी पुरानी ओढ़नी, ओढ़नी के आप क्या कहते हो, वेल कहते हो ना, दुपट्टा लड़कियाँ पहनती है, देखो लड़के नहीं फिर लड़कियाँ पहनती हैं। तो बहन क्या करती है, अपनी पुरानी मीन्स ओल्ड, पुरानी ओढ़नी से झंडा की तैयारी करती है। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। तो उसमें लाल, आपको पता है तिरंगा में तीन रंग होते हैं, कौन से, जल्दी बताओ। पहले कौन सा रंग होता है? लाल, फिर दूसरा है सफ़ेद, तीसरा है हरा। तो बीच में कौन सा रंग है? सफ़ेद रंग है। तो उसमें क्या होता है? अशोका चक्र। उसमें उस चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं आपको पता है क्या? 24। तो इस तरह ये बच्चे क्या करते हैं, बहन क्या करती है, अपनी पुरानी ओढ़नी से झंडा को बना लेती हैं। उसमें लाल हरा रंग भी रहता है, चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खिलौने के डंडे से बांध लिया। भाई क्या करता है, खिलौने का मतलब क्या है? टॉयस। आप भी खेलते हो ना कुछ खिलौने,
तो उन खिलौने में एक डंडा रहता है, डंडा का मतलब एक लकड़ी रहती है, तो उसको क्या करता है, झंडा को बांध देता है, झंडा से बांध लिया, झंडा तैयार था। पर बहन क्या करती है, अपने पुरानी होड़नी से झंडा को तैयार करती है। भाई क्या करता है, अपने खिलौने में एक डंडा रहता है, उस झंडे को लगाया रहता है। तो दोनों क्या करते हैं, झंडा को बना लिया। अब भाई झंडा लेकर चला। अब भाई क्या करता है, प्रोसेशन में बाहर राजा का हुक्म क्या था, झंडा बाहर नहीं निकलेगा। तो भाई और बहन दोनों मिलकर क्या करते हैं, झंडा को तैयार करते हैं। अब भाई क्या करता है, झंडा को लेकर बाहर जाना है, तो बाहर लेकर चल रहा था। तो तब क्या हुआ, अरे भाई, कौन कहती है, बहन कहती है, अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। तो भाई झंडा लेकर चल रहा था, उसी समय क्या होता है, बहन ने भाई को रोक लेती है, उसको रुकाती है। रुकाने का मतलब क्या है, रुकाने का मतलब स्टॉप। तो उसको रुकाती है और कहती है, तुम कहाँ चले जाते कहाँ हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, ऐसा कहकर ज़ोर से बोलती है। कौन बोलती है, बहन बोलती है। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। कौन कहता है, भाई कहता है। पर बहन बड़ी दूर जाना है, दूर यानी कि बहुत दूर, फार, बहुत दूर जाना है, तुम थक जाओ। थक मीन्स क्या है, थक का मतलब टायर्ड, टायर्ड बोलते हैं ना, हाँ, थक जाओगी। नहीं भैया, वो क्या कहती, नहीं भैया। फिर ये क्या कहता है, भाई कहता है, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। कौन कहती है, बहन कहती है। भाई क्या करता है, झंडा पकड़ता है, बहन कहती है, तुम झंडा पकड़ के आगे आगे जाओ, जुलूस को कौन लेके आता है, तो मैं जुलूस बनकर तुम्हारे पीछे पीछे मैं चलती हूँ, तुम आगे आगे झंडा लेकर चलो, ऐसा कहकर कौन कहती है, बहन कहती है। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं। तो कौन कहता है, भाई कहता है, नहीं रानी। तो इतना प्रेम से बुलाता है, रानी बहन, रानी कहकर, नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो। तो भाई कहता है, तुम जुलूस नहीं लाओगे, पर इसके बदले में तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। तो कौन कहता है, भाई कहता है, तुम जुलूस मत लेके आओ, पर इसके बदले में तुम एक काम करो। यहाँ पर देखो, जैसे राजकुमारी आप अंग्रेजी में कहते हो ना प्रिंसेस, तो उसी तरह प्रिंसेस अपने प्रिंस मीन्स राजकुमारी राजकुमार को, जब वे जंग को जाता है, जब लड़ाई को जाता है, किस तरह से वे विदाई करती है, किस तरह से तिलक वगैरह और उसकी आरती उतारती है ना, उस तरह से मुझे विदा करो, कह कौन कहता है, गुलाब सिंह कहता है। किसको कहता है, अपने बहन से कहता है। बहन ने खुशी की किलकरारी के साथ ताली बजाई और दौड़ी। बहन को क्या हो गया, खुश हो गई। भाई खुश होकर क्या करती है, ताली ऐसे कहकर ताली मारकर खुश से, उमंग बहुत खुशी से आवाज़ करके ताली मारकर अंदर जाती है। क्यों जाती है, वे तिलक वगैरह सब लेकर आना है ना भाई का विदा करने के लिए, घर के अंदर जाती है, इन सब चीज़ों को क्या करती है, रेडी मीन्स सबको लेकर बाहर आती है। थोड़ी सी रोली, रोली का मतलब क्या है, तिलक चूना और क्या बोलते हैं, तिलक हल्दी और चूने से बना हुआ एक तिलक मीन्स आप कुमकुम कहते हैं ना, इस तरह वो तिलक को लेकर आती है। थोड़ी सी चावल यानी कि राइस ग्रेन्स बोलते हैं ना, अक्की हाँ, उसको लाती है और एक छोटा सा आरती दीप को भी लेकर आती है। थोड़े से चावल सजाई लाई, थाली में एक दिया भी जल रहा था, दिया मीन्स दीप। तो ऐसे इन सब तीन चीज़ों को लेकर बहन आती है। भाई की आरती उतारनी थी, सो तिलक लगाती है। तिलक लगाने के बाद चावल भाई के सर पर बिखरा। जब भी आप बड़ों के आगे जाते हो, उनके पैरों को छूकर प्रणाम करते हो, तो वे बड़े लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी चावल को लेकर आपके सर पर बिखराते हैं और आपको आशीर्वाद करते हैं। इसी तरह थाली में एक दिया भी जल रहा था, भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी
वैसे ही आभामंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसे ही आभामंडल देखकर वह बहुत खुशी। आभामंडल यानी कि अब जब देखो करंट होता है, करंट चले जाता है, आप क्या करते हो, दीप लगाते हैं। जब दीप लगाने पर चारों तरफ किस तरह उजाला फैलता है, उसी तरह जब बहन आरती लेकर अपने भाई के सामने जाती है आरती उठाने के लिए, उसी तरह वहाँ पर चारों तरफ आभामंडल की तरह दिखता है, बहुत सा ब्राइटनेस दिखता है, जिस तरह देवी देवताओं के चित्रों में देखते हैं इसी तरह दिखता है। भाई के चारों तरफ ऐसे ही आभामंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। माता क्या है यहाँ पर आपके फोरहेड, तो उधर आप भी तिलक वहाँ पर लगाते हो या नाक के ऊपर लगाते हो, यहाँ पर ही ना माथे पर ही लगाते हो, तो भाई बहन क्या करती है अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है। चावल बिखराया, चावल वही अक्की बोलते ना आप, वो अक्की कार्ड, उसको क्या करती है उसके सर पर चावल बिखराया। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। अब आजकल तुम नहीं मानो, पहले ज़माने में क्या करते थे, जितना भी बड़ा हो भाई कोई भी हो, अपनी बहन बड़ी हो या छोटी हो, तो उनके पैरों को छूकर उनसे क्या करते थे, आशीर्वाद लेते थे। पर आजकल यहाँ पर ऐसा कैसा होता, ऐसा नहीं होता है, थोड़ी जगह होता है थोड़ी जगह नहीं होता, तो ये भाई क्या करता है अपने बहन के चरणों को पैरों को छूकर विदा सॉरी आशीर्वाद लेता है और विदाई ली। बहन ने भाई के सर पर हाथ फहराया और बलिया दी। जब आपके अब चरणों को पैरों को छूकर प्रणाम करते हो, तो कोई भी आपको आशीर्वाद क्या आपके सिर पर ऐसा ऐसे कर कर क्या करते हैं, बलियां देते हैं, हाथ हाथ फहरा कर बलियां देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इस तरह हाथ फहरा कर बलियां देते हैं। अब वह झंडा लेकर चला, कौन गुलाब सिर। वहाँ से इन सब चीज़ों को होने के बाद क्या करती है बहन, तिलक लगाती है, थोड़े चावल बिखराती है, उसके बाद क्या करता है भाई अपने बहन के पैरों को छूकर जब प्रणाम करता है, तो भाई बहन क्या करती है ऐसे ऐसे करके हाथ से सर पर हाथ हिलाती है, उसके बाद बलिए देती है। तो उसके होने के बाद भाई क्या करता है वहाँ से झंडा लेकर जाता है, किस लिए, प्रोसेशन में बाहर झंडा नहीं निकलना बोलता है ना कौन, राजा, तो इसको कंपलसरी निकालना था, उस बात के लिए वे क्या करता है झंडा लेकर निकलता है। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। आप भी जब कोई आप से जाता हो गांव को या कहीं भी, तो क्या करते हो बाहर जब तक वे जाता है उसी तरह बाहर दरवाजे के पास खड़ कर देखते रहते हैं ना, इसी तरह बहन भी क्या करती है जब वे भाई जाता है दरवाजे के पास खड़ कर ऐसे ही देखती रहती है। कहानियों में राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। तब भाई क्या करता है झंडा को लेकर ऐसे लहराते हैं, ऐसा ऐसा कहकर लहराता था हिलाता था देखते भाई को देखते खुश होती है और वहीं पर दरवाजे पर ही खड़ कर देखती ही रहते। जितना वहाँ तक दूर जाता है भाई, दूर जाने पर भी वहीं पर खड़ कर बहन देखती ही रहती। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वहाँ पर झंडे वाला कौन था, वही लड़का था जिसका नाम गुलाब सिंह था, वही लड़का बाहर क्या किया झंडे को लेकर जा रहा था। बादशाह ने हुक्म क्या किया, ऑर्डर क्या किया था, जो कोई झंडा लेकर आता है उसको गोली मारने का हुक्म दिया था। तो उसके सिपाही, किसके सिपाही, राजा के सिपाही बाहर इधर उधर खड़े थे, पहले ही बोले था ना मैं लड़ाई का, उधर लड़ाई चल रही थी, उधर उधर सिपाही थे। तो इस लड़के को देखकर, इसके लड़के के हाथ में क्या था, झंडा था, उस लड़के को देखकर क्या करते हैं उसके सिपाही, देखो बादशाह के सिपाही ने गोली चला दी। किसको गोली चला दी, उस लड़के को, कौन था लड़का, वो गुलाब सिंह, उसके हाथ में झंडा था ना, इसीलिए उसको गोली क्या, गोली मीन्स गन शूट कर दिया, झंडा ना, बादशाह के सिपाही ने गोली चला दी बुलेट लेकर गन से शूट कर दिया उसको, वहाँ गिरा। तो गोली चलाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर ही गिर जाता है, कौन गिर जाता है, गुलाब सिंह गिर जाता है, पर उसके हाथ में क्या था, झंडा था, वे गिरा पर झंडा को गिरने ना दिया, झंडा ना गिरा, वह उसके हाथ में
था, वो गिर गया, फिर भी वो झंडे को बहुत अच्छे से थाम लिया था। गोली चलती देखे कोई उसके पास ना आए। वहाँ पर क्या होता है, जब उसको गोली चलती है, कोई भी व्यक्ति उसके पास, जब व्यक्ति, आप भी देखो सड़कों पर यानी रोड पर कोई गिर गया, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो आप लोग क्या करते हैं, जाकर उसको उठा लें, कुछ ना कुछ उसकी सहायता हेल्प कर देते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, उसको गोली चला दी, पर कोई भी व्यक्ति उसके पास आते नहीं है, कोई भी उसको देखता नहीं है। बहन ने भाई को गिरते देखा, बहन वहाँ पर ही खड़ी, अभी जब तक भाई दूर तक जाता है वहाँ पर दरवाजे के पास ही खड़कर देखती रहती है। जब भाई गिरता है, बहन ने दूर से ही भाई को गिरते हुए देखा, वहाँ दौड़ पड़ी, दौड़ में भागते 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 भाई के पास जाने लगती है। भाई खून से लथपथ पड़ा था, पूरा उसका अंग पर क्या हो गया, खून, खून यानी कि ब्लड बोलते हैं ना, तो वहाँ पर उसको खून निकल आया, वो खून से भीगा हुआ था। वहाँ पुकारती रही, भैया भैया, वहाँ पर जोर से घर से ही, घर के दरवाजे पर बहन करती है ना, तो वहाँ से ही भाई भाई कहकर, भैया भैया कहकर पुकारते पुकारते भाई के पास दौड़ते दौड़ते जाती है। भाई के प्राण मानो ये अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े, वह बोला तो आ गई या झंडा ले। तो वहाँ पर क्या करती, दौड़ते दौड़ते अपने भाई के पास जाकर चले जाती है, कौन, बहन। तो भाई कहता है तो आ गई, उसकी आवाज़ सुनकर, किसकी आवाज़, भैया भैया कहकर बहन की आवाज़ सुनकर भाई क्या कहता है, खुश होता है और कहता है तू आ गई, ले पकड़ झंडा, कहकर उसके हाथ में झंडा दे देता है, कौन, भाई, बहन के हाथ में झंडा देता है। बहन ने झंडा थाम लिया, बहन क्या करती है, उस झंडे को पकड़ लेती है, थाम लेती है। भाई चल गया, जब वे झंडे को अपनी बहन के हाथ में रखता है, भाई का मृत्यु मीन्स वो मर चुका आता है। बहुत रोई है नहीं, बहुत 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 रोने पड़ती है, पर झंडा हाथ में उठाए रही। जब रोती रहती है फिर भी वो झंडे को नीचे नहीं रखती, पर झंडे को अपने हाथ में ही थामती है, थामने का मतलब हाथ में ही पकड़ती है और रोने लगती है, क्योंकि भाई मर गया था। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीतना जीत कर चले गए। बादशाह के सिपाही क्या समझते हैं, चलो हम इसमें जीत गए, किस लिए, उस झंडे वाले को मार दिए तो हम जीत गए, ऐसा कहकर फिर बहुत गर्व था, किनको, सिपाहियों को बहुत गर्व था। लोग भागे आए, उन्होंने भाई की देह उठाई, तो वहाँ से क्या होता है, वो जीत गए समझकर वहाँ से सिपाही लोग चले जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, लोग बाहर आते हैं, उस क्या है, उस बच्चे को, उसकी लाश को क्या करते हैं, उठा लेते हैं, उसके देह को उठाकर आगे आगे झंडा लिया बहन चलने लगी। आगे क्या करती है बहन, अपने हाथ में झंडा रहता है ना, तो वह आगे आगे चलती है, भाई के देह को लोग अपने हाथों में पकड़ कर ले जाते हैं, काम पर अपने उसके घर तक जाते हैं। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, जुलूस निकला झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकाला और बड़ी शान से निकला। तो बादशाह का हुक्म क्या था, वो क्या कहा था, जुलूस नहीं निकलेगा और झंडा नहीं निकलेगा, अगर जुलूस निकला तो भी झंडा नहीं निकलेगा, इस तरह का हुक्म था, ऐसा कहकर ऑर्डर था। पर यहाँ पर क्या किया, उस बालक ने झंडा लेकर बाहर निकल गया, तो सिपाहियों ने क्या किया, उस बालक को, उस गुलाब सिंह को गोली चला दी। चला देने के बाद क्या हो गया, उसके बाद वो मर गया, अपने झंडे को अपने भाई के, बहन के हाथ में देकर वह मर चुका था। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखरे कर चला गया। खुशबू अपनी, जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं, जब अपने देशभक्ति की बातें करते हैं, तो आप में भी, आपके मन में भी इस तरह की भावना आनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब भी हम कोई जब भी हम अपने देश के लिए प्राणों को त्याग करने का ऐसी संकट आ गई, तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, इसको भी हम तैयार होकर अपने देश के प्रति, कुछ भी हो, हमारे प्राणों को भी हो, त्याग करने को भी हम पीछे नहीं हटना चाहिए। आप भी बच्चों, तो इस तरह की कहानी सुनने के बाद आप मन में भी देश प्रेम की भावना आनी चाहिए, देश के प्रति अच्छे विचार करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। जो कुछ भी अब तक जो कुछ भी आपने किया हो,
उन सभी को छोड़ दो, आगे अच्छे रहने के, अच्छे बच्चे रहने, अच्छे काम करने की तैयारी में आप रहे। फिर से अगले पाठ, फिर से अगले पाठ के लिए अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।